हैं कि बिहार की राजनीति की जंग एक बार फिर से दिलचस्प होती जा रही है और अब जो ताजा मामला है वो है चिराग पासवान और मुकेश सहनी का। चिराग पासवान से कम में नहीं मानेंगे मुकेश सहनी, आखिरी जंग कौन जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के बीच में जंग और दिलचस्प होती जा रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान से कम लोकसभा सीट एक बार फिर से उनको कम पे मंजूर नहीं है और एनडीए के मीटिंग में नहीं जाने के बाद से मुकेश सहनी ने सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा बयान दिया है चिराग पासवान के ऊपर। बता दें कि सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अपने प्रचार प्रसार को और ज्यादा गति प्रदान की है। बता दें कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच की जंग एक बार फिर से और दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से मुकेश सहनी ने पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा है कि मुझे चिराग पासवान से कम सीट पर मंजूर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी पार्टी, मेरा जनाधार, मेरे लोग और मेरे वोटर चिराग पासवान से थोड़े भी कम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर जो मांग रहा हूं उसके पीछे की सच्चाई क्या है और उसके पीछे की ताकत कौन है। उन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान के ऊपर हमला करते हुए कहा कि चिराग पासवान के पास कुछ नहीं है तो एनडीए उन्हें सब कुछ देने को तैयार है और आज मेरे पीछे पूरा निषाद समाज मेरे पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पूरी जनता पड़ी है, बिहार के पूरे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो मैं चिराग पासवान से कम पर कैसे मंजूर कर लूं। बता दें कि एनडीए के मीटिंग में नहीं बुलाए जाने के बाद से मुकेश सहनी ने एनडीए से अपने आप को दूर कर दिया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक एनडीए में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। हालांकि उसके बाद से उन्होंने निषाद आरक्षण यात्रा को लेकर संकल्प यात्रा एक निकाली और उसमें वो जगह जगह पे निषादों को इकट्ठा करके निषादों की बात करते हैं, निषादों की हक की बात कर रहे हैं, निषादों के आरक्षण की बात कर रहे हैं और बिहार के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपनी यात्रा को आरम्भ रखा है और बिहार के अलग अलग कोने में अलग अलग जिलों में अपनी रथ यात्रा को निकाल रहे हैं और बिहार की जनता से ये साफ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चिराग पासवान से कम पर उनको मंजूर नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि वो किसी भी कीमत पर अपने जनाधार के बल पे किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी की जो जंग है आखिर इसका अंत क्या होगा, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।